हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आ गए हैं एक न्यू ब्लॉग की वीडियो। तो आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, आज मैं आया हूँ चिड़ियाघर और आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। भालू का डांस दिखाने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, इसमें टाइगर भी दिखाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। दोस्तों छोटा सा वीडियो है और गाइस देख सकते हैं हम लोग इसी रास्ते आए हैं। आप लोग देख सकते हैं लोग आ रहे हैं टिकट कटाकर। मेरे अनुमान से दोस्तों आज लोग कम है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि धूप कितना तेज हो रहा है और गर्मी कितना तेज हो रहा है, इस वजह से लोग बहुत कम दिख रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं, सारस की प्रजाति जैसे लग रहे हैं। देख सकते हैं ये वहाँ भी था और एक यहाँ सामने भी दिख रहा है। और भालू का डांस आप लोग देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा टाइगर, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं धूप की वजह से टाइगर छांव में बैठा हुआ लेटा हुआ है। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे दरियाई घोड़ा है, एक पानी में है जिसका सर बस दिख रहा है और एक अपना चारा खा रहा है, घास जो है वो खा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं बस सिर्फ सर ही दिख रहा है उसका। अब चलिए गाइस अगला दिखाते हैं दृश्य, और जो कि बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल बनाया गया है उसे आप लोग सामने देख सकते हैं। गौतम बुद्ध हैं और उसके बगल में बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्य वो हमको लगता है। और आपको ये दृश्य कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो गाइस देख ही सकते हैं टाइगर मछली। और अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं तितली घर में, और यहाँ पे आने पे पता चलता है कि इसमें एक भी तितली नहीं है, लेकिन बनाया गया है तितली के लिए ही। लेकिन दोस्तों इसमें अभी तितलियाँ डाली नहीं गई हैं। और आप लोग ऊपर से देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा। और दोस्तों इसमें बोलने पे पूरी आवाज़ गूंजता है जो कि बहुत ही मस्त लगता है। और गाइस से बता दूं इसमें का दृश्य गाइस बहुत ही अच्छा लगता है आने पर। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं मछली घर में और आपको दिखाते हैं मछलियां। तो दोस्तों यहां पे हर एक शीशे के मतलब शीशे का बनाया गया है, छोटे छोटे पॉट में आपको मछलियां दिखा, अलग अलग पॉट में अलग अलग मछलियां आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग देख सकते हैं अलग जार में अलग अलग मछलियां, और जो कि बहुत ही देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर लगता है। और आप लोग देख ही सकते हैं ये गोल्डन और ब्लैक ब्लैक कलर में धब्बा लगा हुआ है इस पर, और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और शानदार लग रही है। तो गाइस ये मछली आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट मछली की तरफ, और ये भी मछली बहुत ही सुंदर हमको लगी। देख सकते हैं पूरा गोल्डन और ऑरेंज कलर में है, जो कि बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लग रही है। और मछलियों का नाम दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियो में डाला हूँ, उसमें ये मछलियों का पूरा मतलब बायोडाटा बताया हूँ, कितने साल की इनका उम्र होता है और कितने दिन तक मतलब जीती हैं और क्या क्या इनका भोजन है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताया हूँ विस्तार से। तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। गाइस ये मछली आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अब चलते हैं हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वाली मछली, जो कि और ही शानदार और ब्यूटीफुल इसमें आएंगे। तो दोस्तों सबसे अच्छा हमको यही मछली घर लगता है, और क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की मछलियां आपको देखने को मिलती हैं। और अब हम निकलेंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि दोस्तों हम लोग पूरा घूम चुके हैं और धूप काफ़ी होने की वजह से बहुत तेज़ी से धूप लग रहा था, इसलिए अब हम लोग चलेंगे अपने घर। तो आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।